जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्त। एक निर्धन व्यक्ति था, वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता था। एक बार दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चन की। कहते हैं उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वो खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ऐ बुढ़िया कहाँ चली आ रही है बिना पूछे। बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट डपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी, थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी, देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खा हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आंख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थी, जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। ये कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गईं।